हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स वेलकम टू जय आर्ट क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपको निरोध मजूमदार, जो कि कलकत्ता ग्रुप के एक प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और ये मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, आधुनिक कलाकार हैं और ये कलकत्ता ग्रुप से जुड़े हुए थे। कलकत्ता ग्रुप के मुख्य सदस्यों में इनका नाम आता है निरोध मजूमदार। तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इनका जो समय है 1916 से लेकर 1982 ईस्वी के बीच। ये निरोध मजूमदार का एक फोटोग्राफ है, आप देख लें। निरोध मजूमदार का जो समय है 1916 से 1982 ईस्वी के बीच। निरोध मजूमदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1916 ईस्वी में इनका जन्म कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। निरोध मजूमदार का संबंध किस कलाकार समूह से था? तो कलकत्ता ग्रुप, इसे ग्रुप 43 के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि 1943 में इसकी स्थापना प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा किया गया था। निरोध मजूमदार कैसे कलाकार थे? तो ये आधुनिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, मॉडर्न आर्टिस्ट के रूप में। प्रसिद्ध उपन्यासकार कमल कुमार मजूमदार किस भारतीय चित्रकार के बड़े भाई थे? तो निरोध मजूमदार के ये बड़े भाई थे कमल कुमार। निरोध मजूमदार ने चित्रकला शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त की? अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में। निरोध मजूमदार की पहली एकल प्रदर्शनी कब व कहाँ लगी? तो 1944 ईस्वी में कोलकाता में इनकी पहली प्रदर्शनी लगाई गई। निरोध मजूमदार कोलकाता ग्रुप 43 में कब शामिल हुए थे? तो 1943 में। निरोध मजूमदार ने उत्कीर्णन इनग्रेविंग विधा का प्रशिक्षण किससे प्राप्त किया? आंद्रे लाहौत से। प्रसिद्ध चित्रकार व कला शिक्षिका शानू लाहिड़ी किस भारतीय चित्रकार की बहन थी? निरोध मजूमदार की। निरोध मजूमदार का संबंध कहाँ से रहा है? तो ये कोलकाता से। किस भारतीय चित्रकार को कोलकाता में निरोध चौधरी के नाम से जाना जाता है? निरोध मजूमदार को। किस भारतीय चित्रकार ने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है? निरोध मजूमदार ने, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है। निरोध मजूमदार की पहली विदेशी प्रदर्शनी कब व कहाँ लगी थी? तो 1951 ईस्वी में पेरिस में। निरोध मजूमदार ने अपनी चित्रकला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता से। निरोध मजूमदार ने उत्कीर्णन इनग्रेविंग विधा का प्रशिक्षण कहाँ जाकर लिया था? पेरिस में। निरोध मजूमदार थे, ये नवतांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, तो ये आप जरूर याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा भारतीय कलाकार इंडिया हाउस लंदन की आर्ट गैलरी में क्यूरेटर के पद पर भी कार्यरत रहा? तो निरोध मजूमदार। वर्ष 1935 में इंडियन आर्ट सोसाइटी कोलकाता में निरोध को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नॉर्मन ब्लाउम मेमोरियल पुरस्कार से। निरोध मजूमदार ने अपनी चित्र श्रृंखला कुछ चुनी हुई प्रतिमाएं इमेज एक्नॉलेज 1957 कहां प्रदर्शित की? पेरिस में। निरोध मजूमदार का निधन कब हो गया था? तो वर्ष 1982 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख चित्र श्रृंखला, इन्होंने कौन सी चित्र श्रृंखला बनाई थी? कुछ चुनी हुई प्रतिमाएं 1957 में। इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं स्वर्ग हेवन जिसे कहते हैं, नेता का घाट कैनवास पर तैल रंग में बनाया 1957 में, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में ये सुरक्षित है, पूर्णिमा जो कि कैनवास पर तैल रंग से बना 1972 में, गंगा कागज पर रेखांकन है ये 1977 से 78 के बीच में ये बनाया गया है।
निरोध मजुमदार के कुछ चित्र हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये कलकत्ता समूह 1943 में जो प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा ये समूह बना था, उनमें कुछ सदस्य थे, तो ये एक फोटोग्राफ है उनका। यहाँ पर निरोध मजुमदार हैं अपनी पत्नी मार्गोराइट के साथ। निरोध मजुमदार, ये पत्नी है उनकी मार्गोराइट, और यहाँ पे निरोध मजुमदार है। उनके कुछ चित्र आप देखिए, ये चित्र है। ऊंचाई सर्व अस्थाई घोड़ा है ये, 1962 में ये बनाया गया है, और अपने चित्रों में ये देवनागरी लिपि का प्रयोग करते थे। ये भी है एक चित्र, ये भी एक चित्र है, अनटाइटल्ड शीर्षक विहीन, 1974 में ये बनाया गया है ऑयल ऑन कैनवास बोर्ड पर। ये आप चित्र देख लें, ये चित्र हमने आपको बता दिया है अभी। एक यहाँ पे और चित्र है, लीडा एंड द स्वान, इसका मीडियम है ग्वाच, ग्वाच मीडियम ये बनाया गया है लीडा और स्वान को, ये निरोध मजुमदार के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे एक और चित्र आप देखिए, कल की, यहाँ पे 10th इनकर्नेशन ऑफ विष्णु, 1980 में ये ऑयल ऑन कैनवास में बनाया गया है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक चित्र है अनटाइटल, 1950 में ये बनाया गया है ऑयल ऑन कैनवास में। यहाँ पे भी एक चित्र है, ये ऑयल ऑन कैनवास में ये बनाया गया है। इंटमेसी फ्रॉम द सीरीज एबेरेनिया, 1981 में ऑयल ऑन कैनवास से बनाया गया है ये। ये एक चित्र है आप देख लीजिए, द गॉडेस, 1952 में ऑयल ऑन कैनवास में बनाया गया है निरोध मजुमदार के द्वारा। यहाँ पे एक चित्र और है आप देख लें, द विंग ऑफ नो एंड, 1968 में बनाया गया है ऑयल ऑन कैनवास में, अनटाइटल ऑयल ऑन कैनवास में ये बनाया गया है, कैनवास पर तैल रंग से ये बनाया गया है। तो ये कुछ प्रमुख चित्र थे निरोध मजुमदार के द्वारा। इन्होंने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है, तो आप ये बातें याद रखें। निरोध मजुमदार जो है ये कलकत्ता ग्रुप के प्रमुख सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर